नमस्कार दोस्तों, कुकिंग विद ममता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह से अलग अलग तरीके के खाने का शौक रखते हैं, वो भी वेज, तो आपको मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करनी चाहिए। दोस्तों, मैं हमेशा ही आपके लिए अलग अलग तरीके की रेसिपी लेकर आती हूँ, तो एक बार आप मेरी रेसिपीज को जरूर देखिए। आज भी मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो भी बिल्कुल अलग है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करूँगी। अब आपको लगेगा कि इसमें क्या अलग है, सभी कोई केक बनाते हैं, तो नहीं दोस्तों, आज मैं जो केक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है फलाहारी केक। जी हाँ दोस्तों, अक्सर करके हमारे अकेज़न जो पड़ते हैं, बर्थडे या कोई भी सेलिब्रेशन जो होता है, वो केक के बिना अधूरा होता है। और ख़ासकर तब जब हम इस दिन व्रत होते हैं या कोई दिन ऐसा पड़ जाता है जिस दिन हमें व्रत रहना पड़ता है, तो हम इन दिन को आगे बढ़ा देते हैं कि नहीं, आज तो मेरा व्रत है तो आज हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, हम किसी और दिन कर लेंगे। तो नहीं दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन केक को घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप इनको व्रत में भी खा सकते हैं। तो जन्माष्टमी का फेस्टिवल तो एकदम पास में है दोस्तों, तो इस बार हम कान्हा जी के लिए केक की रेसिपी लेकर आए हैं। तो इन व्रत वाले केक को आप कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए जी, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो हमें भी केक बनाना है, वो भी फलाहारी। तो चलिए इन केक को बनाते हैं और आप हमें फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी केक की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर ये भगोना लिया है और इसमें मैं ये 2 लीटर दूध ले रही हूँ और ये मैं गाय का दूध ले रही हूँ। इनको मैं अच्छे से बॉयल कर लूँगी। दूध यहाँ पर अब बॉयल हो रहा है, तो हमने यहाँ पर ये नींबू का रस लिया है और इसमें हमने पानी भी मिक्स किया है। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में डालेंगे और चलाएंगे। एक बार में आप पूरा मत डालिएगा, थोड़ा डालिए फिर चलाइए। इस तरीके से करके हम यहाँ पर छेना इनका निकाल लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप केक बनाने के लिए इनको दूध को फाड़िए, तो फिर आप नींबू से ही फाड़िएगा, विनेगर या फिर फिटकरी या किसी और चीज़ से आप इन दूध को मत फाड़िएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारा छेना अलग हो चुका है और पानी अलग हो गया है। तो अब हम इनको छान लेंगे। छानने के लिए हमने यहाँ पर छन्नी के ऊपर जाली लगाया है और इसमें हम इन छेना को छान रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर इनके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे कि इन छेना में जो नींबू की खटास है वो एकदम से निकल जाए। अब हम इनको अच्छे से फोल्ड कर देंगे और इनके ऊपर हम एक भारी चीज़ रख देंगे, जिससे कि इन छेना से जो एक्सेस पानी है वो एकदम से निकल जाए। दोस्तों, अक्सर हमारे बाथरूम के या किचन के जो टैप होते हैं, नल होते हैं, उनके ऊपर पानी के दाग पड़ जाते हैं और वो बहुत ही गंदे लगते हैं। तो अगर आप उनको क्लीन करना चाहते हैं तो आप एक पॉलीथीन लीजिए और उन पॉलीथीन में आप थोड़ा सा विनेगर डालिए। आपको वही विनेगर लेना है दोस्तों जो आप किचन में अक्सर रखे रहते हैं, जिनको कि हम चाइनीज़ चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। तो उन्हीं विनेगर को आपको लेना है और उनको आप एक पॉलीथीन में डाल लीजिए और उसके बाद उन पॉलीथीन को ऐप के मुंह में लगा करके रबड़ लगा दीजिए या फिर बांध दीजिए। और उसके बाद से उनको आधा घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद आप स्कॉच ब्राइट लीजिए और उन स्कॉच ब्राइट से आप उनको ऐसे ही रगड़ कर क्लीन कर लीजिए। उसके बाद ड्राई कपड़े से आप उनको पोंछ दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके जो टैप हैं वो बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे, उन पर से पानी के दाग बिल्कुल ही क्लीन हो जाएंगे। आप एक बार इन टिप्स को जरूर ट्राई कीजिए। हमने यहाँ पर छेना को बोल में डाल लिया है और इनको हम चम्मच की सहायता से अच्छे से मैश करेंगे। इसमें गांठें बिल्कुल भी ना रहें, इनको हम एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको धीरे धीरे करके मैश कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और गैस की फ्लेम को एकदम धीमा रखा है। अब मैं इस पैन में जो हमने छेना को तैयार किया है उनको हम इसमें डाल देंगे और ऐसे ही चम्मच से दबा दबा कर हम इनको अच्छे से मैश करेंगे। और इसी समय पर हम यहाँ पर ये 1 कप मिल्क पाउडर और 1/3 कप शुगर पाउडर ले रहे हैं। इन दोनों को हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और
इनको मिक्स करने के साथ साथ ही हमने यहाँ पर ये 1/4 टीस्पून केवड़ा जेल लिया है, इनको भी हम इसमें डाल देंगे और इन्हें हम एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इनको हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जब तक हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं बस उतनी ही देर हम इनको लो फ्लेम पर पकाएंगे। मैंने यहाँ पर ये दो आम लिए हैं, इन आम को मैं छील लूँगी। हमने यहाँ पर आम को छील लिया है और अब मैं इनकी पतली पतली स्लाइसेस कट कर लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये फ्लावर का मोल्ड ली हूँ, इन मोल्ड से मैं यहाँ पर फ्लावर के शेप में एक एक स्लाइसेस को ऐसे कट कर लूँगी। अगर आपके पास फ्लावर का मोल्ड नहीं है तो किसी भी शेप में आप इनको जिस तरीके से केक को डेकोरेट करना चाहें उस तरीके से इनको कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, ये हार्ट शेप का कंटेनर है। अगर आपके पास हार्ट शेप का नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा जो होता है घर में आसानी से हमारे मिल जाता है, आप उसे यहाँ पर ले सकती हैं। और इनको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम इन कंटेनर में हमने जो छेना को तैयार किया था उन छेना को हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद जो है चम्मच की सहायता से हम इनको चारों तरफ से प्रेस कर सेट कर लेंगे। जब अच्छे से सेट हो गए हैं तो मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का ये टुकड़ा लिया हुआ है, इन कार्डबोर्ड के ऊपर हम इन केक को इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और उसके बाद हथेली से हम इनके ऊपर थपथपा कर फिर इनको हम डिमोल्ड कर लेंगे। अब हम इनके ऊपर आम की एक लेयर लगाएंगे, हमने जो पतली पतली स्लाइसेस आम की कट की थी ना उनको ही हम इनके ऊपर ऐसे सेट करेंगे। यहाँ पर वापस वही कंटेनर ले रही हूँ और इसको मैंने घी से ग्रीस किया है। अब मैं छेने की एक लेयर और यहाँ पर लगाऊंगी और इसको मैं चम्मच से प्रेस करते हुए पहले की तरह जैसे हमने सेट किया था उस तरीके से हम इनको इक्वली इसमें फैलाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। ये अब सेट हो गए हैं तो अब मैं जो आम की लेयर लगाकर मैंने एक हिस्से को तैयार किया है उनके ऊपर मैं इनको पलट कर फिर इनको डिमोल्ड कर लूँगी। ये देखिए कितने आसानी से ये डिमोल्ड हुए हैं। अब हम इनकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर आम की ये लंबाई में स्लाइसेस कट की है, इन स्लाइसेस को हम ऐसे सेंटर में खूब सारा डाल देंगे और इनको हम इक्वल फैला देंगे और फिर आउटर पर हमने जो फ्लावर के शेप में कट किया था आम को उनको हम एक एक करके साइड में ऐसे लगा देंगे। अगर आपके पास आम नहीं है तो आप यहाँ पर पाइनएप्पल का भी यूज़ कर सकती हैं, आप आम की जगह पर पाइनएप्पल लगाइए। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर टूटी फ्रूटी है, उन टूटी फ्रूटी को मैं इन फ्लावर के ऊपर ऐसे रख दे रही हूँ और देखिए एक एक करके हमने इनको सेट कर दिया है। हमारा जन्माष्टमी स्पेशल केक यहाँ पर तैयार हो चुका है। कान्हा जी के लिए आप इस केक को ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।